Let's discuss the Ayush University question paper of 2021 in ophthalmology. So one of the new questions is about eye bank. So let's discuss that. So about introduction. Introduction, eye bank होता क्या है? ये एक organization होता है जो deal करता है collection से, storage से और distribution से cornea के. Cornea का collection, storage और distribution होता है cornea grafting के लिए, research और दूसरे ophthalmic purposes के लिए. देन इसको हम कौन कौन सी हेडिंग में डिस्क्राइब करेंगे. पहला इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, तीसरा होगा आई बैंक के पर्सनल कौन से होते हैं, मीन्स स्टाफ कौन सा होता है वहाँ पे. फोर्थ हेडिंग होगी आई कलेक्शन सेंटर्स, देन फिफ्थ लीगल एस्पेक्ट, एंड सिक्स्थ होगा फैक्ट्स अबाउट आई डोनेशन. सो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया. नेक्स्ट उसके फंक्शंस क्या होते हैं. आई डोनेशन के प्रमोशन का फंक्शन होता है, यानी कि अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं जनरल पब्लिक के अमंग. दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, प्लेजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं आई डोनेशन के लिए. तीसरा कलेक्शन होता है, डोनेटेड आईज का कलेक्शन होता है डिसीज्ड से, मींस डेड वन पर्सन से. नेक्स्ट रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग होता है फोर्थ फंक्शन, डोनर आईज को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है. फिफ्थ फंक्शन होता है प्रिजर्वेशन, टिश्यू के प्रिजर्वेशन के लिए आई बैंक यूज होता है. शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है तो आई बैंक करता है. सिक्स्थ फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डोनर टिश्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कॉर्नियल सर्जन्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो करता है. सेवन्थ फंक्शन रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके, कॉर्नियल सब्स्टिट्यूट दिया जा सके और अदर कंपोनेंट्स ऑफ आई का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उस पर रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है आई बैंक पर्सनल कौन से होते हैं. तो फर्स्ट आई बैंक इंचार्ज होता है, सेकेंड आई बैंक टेक्नीशियन होता है. आई बैंक इंचार्ज जो होता है वो क्वालिफाइड ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट होता है एक. नेक्स्ट आई बैंक टेक्नीशियन की ड्यूटीज़ क्या होती है. आई कलेक्शन किट्स को उसको रेडी करके रखना होता है. इन्यूक्लिएशन ऑफ डोनर आईज में उसको असिस्ट करना होता है. तीसरा रिकॉर्ड करना होता है डेटा को, जो भी डोनर मटेरियल से रिलेटेड है और वेटिंग लिस्ट ऑफ पेशेंट से रिलेटेड है. फोर्थ उसकी ड्यूटी होती है प्रोसेस एंड ट्रीट विथ एंटीबायोटिक्स, जो डोनर आइज आती है उसको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करता है. फिफ्थ कॉर्नियल प्रिजर्वेशन करता है उसका, डोनर आइज का, और स्टोरेज भी करता है. सिक्स्थ एसेप्सिस का मेंटेनेंस करता है आई बैंक में. देन थर्ड क्लर्क कम स्टोर कीपर एक होता है पर्सनल, उसका क्या ड्यूटीज होती है. मेटिकुलस रिकॉर्ड्स रखता है, मतलब प्रिसाइज रिकॉर्ड्स रखता है एकदम डिटेल में. दूसरा कोऑर्डिनेट करता है विद अदर आई बैंक्स, एंड तीसरा क्या है डील करता है विद अदर आई बैंक्स, जैसे आई बैंक्स के साथ कुछ डील और करना होता है तो वो भी करता है रिगार्डिंग डोनर्स करेस्पॉन्डेंस. फोर्थ डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कॉर्निया को आई सर्जन्स को या आई बैंक्स को, तो ये इसकी ड्यूटीज़ हो गई. नेक्स्ट फोर्थ होता है मेडिकल सोशल वर्कर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसकी क्या ड्यूटीज़ होती है. पब्लिसिटी मटेरियल को ये सप्लाई करता है कॉमन पब्लिक को. वॉलेंट्री आई डोनेशन को प्रमोट करता है दूसरा, और ये जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो वॉलेंट्री या पेड वर्कर दोनों हो सकता है. नेक्स्ट फिफ्थ पर्सनल होता है इसका ड्राइवर कम प्रोजेक्शनिस्ट, इसकी क्या ड्यूटीज़ होती है. व्हीकल को मेंटेन करना इसकी ड्यूटी होती है आई बैंक में. और दूसरा स्क्रीन फिल्म्स ऑफ आई डोनेशन, मीन्स आई डोनेशन प्रमोशन के लिए कम्यूनिटी में फिल्म्स दिखाने की भी इसकी ड्यूटी रहती है. देन फोर्थ हेडिंग है आई कलेक्शन सेंटर्स. आई कलेक्शन सेंटर्स क्या होते हैं. पेरिफेरल साइट्स होती हैं ये आई बैंक की बेटर फंक्शनिंग के लिए, और ये अर्बन एरिया में लोकेटेड रहती है जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा होता है. और एक आई बैंक के साथ ऑलमोस्ट 4 से 5 कलेक्शन सेंटर्स अटैच्ड रहते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है. लोकल पब्लिसिटी करने का होता है आई डोनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करना होता है वॉलेंट्री डोनर्स के लिए, कलेक्शन का अरेंजमेंट करना होता है आईज का कलेक्शन आफ्टर डेथ, इनिशियल प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने का भी फंक्शन इनका ही होता है. आईज जो कलेक्टेड होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है आई बैंक में. नाउ इसके पर्सनल कौन से होते हैं. कलेक्शन सेंटर में ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन होता है जो कि आई बैंक में ट्रेन किया जाता है, और दूसरे लोकल ऑनररी वर्कर्स होते हैं या वॉलेंट्री एजेंसीज होंगी, तो ये लायंस क्लब, रोटरी क्लब वगैरह, ताकि आई डोनेशन कैंपेन को बूस्ट करें वो लोग. नेक्स्ट फिफ्थ लीगल एस्पेक्ट क्या है. तो लीगल एस्पेक्ट में ना द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स एक्ट 1994 के अंतर्गत जो भी
लॉज आते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं आई बैंक के कलेक्शन और यूज़ जो होता है ना डायल्यूटेड डोनेटेड आइस का, वो इसी के अंदर आते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट आई डोनेशन, वो क्या है कि कोई भी प्लेच कर सकता है आई को डोनेट करने के लिए, और सिर्फ ये चाहिए होता है कि क्लियर कॉर्नी, क्लियर हेल्दी कॉर्निया रहे उसका, तभी तो वो काम आएगा। दूसरा, आइज रिमूव कर दी जाती है विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ, ये सेकेंड फैक्ट है। थर्ड क्या है, गिव्स साइट टू ब्लाइंड पर्सन्स, अगर आप आई डोनेट करते हैं तो 2 ब्लाइंड पर्सन्स को साइट मिलती है, क्योंकि एक आई ट्रांसप्लांट की जाती है एक ब्लाइंड पर्सन को और दूसरी दूसरे को। नाउ फोर्थ फैक्ट क्या है, कैन बी प्लेज टू एन आई बैंक, आप आई बैंक पे जाके प्लेज कर सकते हैं उसमें कि हम डोनेट करना चाहते हैं, किसी भी नियरेस्ट आई बैंक पे जा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ भी जा सकते हैं उनके रिलेटिव्स। नाउ फिफ्थ फैक्ट क्या है, नेवर बॉट और सोल्ड डोनेटेड आइज, डोनेटेड आइज को ना कभी भी खरीदा या बेचा नहीं जाता है आइज डोनेशन, और कभी मना भी नहीं किया जाता है। सिक्स्थ फैक्ट क्या है, कांट बी रिमूव फ्रॉम लिविंग ह्यूमन, लिविंग ह्यूमन से हम आइज को रिमूव नहीं कर सकते, चाहे उसकी कंसेंट और विश कितनी भी हो, फिर भी हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया 2021 से, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।